So we are preparing a Mumbai street food, that is pav bhaji. It is too yummy to have with a hot buttery pav. So we are ready with the material now. Cauliflower liya hai, capsicum, tomato aur potato. Isko hum cooker mein rakhne wale hai. Saath mein humne thoda sa peas, matar, chhil ke liya hua hai. Isko bhi hum cooker mein cook karne wale hai, boil karne wale hai. साइड में हमने ऑनियन कैप्सिकम और टमाटो को चॉप करके रखा हुआ है. नाउ हॉट पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल, देन वी आर पुटिंग ऑनियन टू फ्राई. ऑनियन के साथ साथ हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक चिल्ली लिया है, थोड़ा सा जस्ट स्पाइसी रखने के लिए. वी आर पुटिंग जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट अलोंग विद सॉल्ट. ब्राउनिश हो जाने के बाद में हम इसमें टमाटो और कैप्सिकम जो चॉप करके रखा हुआ है वो अभी हम इसमें पुट डाउन करने वाले हैं. लेट इट बी फ्राई एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स इट विल टेक मीडियम फ्लेम में. ये हमारा यहाँ पे बॉईल रेडी है, उसका हमने पेस्ट बना लिया और थोड़ा सा पीस हमने अलग से भी डाला हुआ है इसमें सो दैट अच्छा लगता है. पेस्ट पुट डाउन कर रहे हैं हम. इट्स गोइंग टू बी अ यम्मी पाव भाजी. हमने पाव भाजी मसाला लिया है, टर्मरिक और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मिंट से 1 स्पून और पाव भाजी मसाला 10 रुपए का यू गेट अ पैकेट. ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ये 3 पीपल के लिए है. आप अगर ज्यादा बना रहे हो तो एवरी मटेरियल आपको डबल कर लेना है. नाउ ओनली लेफ्ट इज वी हैव टू स्क्वीज अ लेमन एंड वी पुट अ बटर ऑन इट. क्या सुगंध आ रहा है.